तो आज जो मेरे बाल इतने बाउंसी, सिल्की और स्मूथ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज मैंने हेयर स्पा किया है घर में ही। तो इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने हेयर स्पा किया है और आप भी इसे बहुत इजीली घर में कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिखा ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में ही बैठे हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा करने से हमारे बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ बन जाते हैं और उसका ड्राइनेस और फ्रिजीनेस भी बहुत कंट्रोल रहता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से हेयर स्पा करते हैं। कुछ लोग DIY हेयर पैक, हेयर मास्क बनाते हैं या मार्केट में रेडीमेड जो हेयर स्पा क्रीम अवेलेबल है उससे हेयर स्पा कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इजीली घर में हेयर स्पा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप उससे नोटिफाई हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर स्पा करने के सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बालों को अच्छे से शैम्पू से धो लेना, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से धूल मिट्टी, गंदगी, ऑयल वगैरह हमारे बालों के जो रूट को है वो ब्लॉक कर देता है। तो इससे जो भी हम ऑयलिंग करेंगे, हेयर मास्क या हेयर पैक लगाएंगे, उसका जो नरिशमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से धो लेना है। तो मैंने अपने बाल कल ही धो रखे हैं, मैं कहीं बाहर नहीं गई तो मेरे बाल डर्ट और ऑयल फ्री है। तो इन्हें मैं थोड़ा गीला कर लूंगी क्योंकि वेट हेयर में जो हम हेयर पैक या फिर हेयर मास्क लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, वो बहुत ही अच्छे से और जल्दी एब्जॉर्ब होता है। हेयर स्पा करने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लें, उन्हें डिटेंगल कर लें, और उसके लिए मैं ऐसा बड़ा दांत वाला कंघी यूज करती हूँ। इससे बाल ज़्यादा टूटते नहीं है और दर्द भी नहीं होता है बालों में। तो हेयर स्पा करने के लिए मैं घर में ही एक हेयर पैक बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। तो आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा लंबे बाल है तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा। 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 3 बड़े चम्मच दही मैंने लिया है, 1/2 नींबू, 2 कैप्सूल यूज की है मैंने। पिन से ऐसा आप छेद करके इसका जो अंदर का ऑयल है वो निकाल सकते हैं। देन ये एलोवेरा जेल ले रही हूं मैं। दो चम्मच। फिर हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसे ब्लेंडर में भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन अभी मैं उसमें नहीं करूंगी, ये छोटा वाला जो विस्क है इसी से मैं करूंगी। ब्लेंड करने के बाद देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है। इससे आप और ज्यादा थिक भी कर सकते हैं, गाढ़ा दही यूज करेंगे ज्यादा तो और गाढ़ा बनेगा। तो हमें बालों के रूट्स में और लेंथ में और एंड तक लगाना है। अगर आप सीरम, कंडीशनर वगैरह यूज करते हो तो पहले ऑयलिंग करके रूट में अच्छे से, फिर हमें हेयर का जो लेंथ है यहाँ पे लगाना होता है। रूट में नहीं लगाते हैं अगर कंडीशनर या सीरम यूज होता है तो अच्छे से सारे बालों में लगा लेंगे। इसमें मैंने नारियल तेल यूज किया है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉलिकल्स के अंदर तक जाकर ड्राई हेयर को मॉइस्चराइज करता है, बालों में शाइन और सॉफ्टनेस लाता है। मैंने इसमें कैस्टर ऑयल यूज किया है जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और बालों का झड़ना भी प्रिवेंट करता है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो बैक्टीरिया को फाइट करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, या ड्राई और फ्रिजी हेयर को भी ट्रीट करता है जिससे बाल हेल्दी, सॉफ्ट एंड बाउंसी बनते हैं। इसके बाद मैंने इसमें दही यूज किया है जिसमें प्रोटीन होता है जो बालों को नरिश करता है। इसमें पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड स्कल्प को क्लीन करता है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। दही एक नेचुरल कंडीशनर होता है जो डैंड्रफ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैंने इसमें नींबू का रस भी यूज किया है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो बालों को लंबा और मजबूत बनाता है और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो डैंड्रफ को क्लियर करता है। और इसमें मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज किए हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो डैमेज्ड हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है, यह बालों के जड़ों तक जाकर उसको कंडीशन करता है, असल में बालों का पकना रोकता है। एलोवेरा जेल डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है स्कैल्प में, और ये एज ए कंडीशनर भी काम करता है जो हेयर को स्मूथ और शाइनी बनाता है। ये डैंड्रफ भी रिड्यूस करता है और स्कैल्प के इचिनेस को ट्रीट करता है। बालों को भी हल्के हाथों से ऐसे उंगली से मैं इसे कॉम कर लूंगी धीरे धीरे, तो जो भी पैक है वो यूनिफॉर्मली लग जाए। अभी मैं बालों को मसाज करूंगी, ऐसे फिंगर से धीरे धीरे मसाज करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करना है। मसाज करने से सिर में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, इससे जो रूट है वो स्ट्रांग बनेंगे और बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इससे सामने से ऐसे करते हुए पीछे तक मैं ऐसे मसाज करूंगी 10-15 मिनट्स।
फिर ऐसा बालों को खींच भी सकते हैं धीरे धीरे से। मैं अक्सर ऐसे मसाज करती हूँ अपने बालों का जब भी ऑयलिंग करती हूँ। धीरे से ऐसे पकड़िए और हल्का हल्का ऐसे खींचिए, उससे सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। तो मैंने 15 मिनट तक ऐसा मसाज किया है, अभी बालों को मैं जूड़ा बना लूंगी। तो इसके बाद अभी हम बालों में स्टीम लेंगे। इसके लिए आपको एक क्लीन टॉवल को गुनगुने गर्म पानी में सोक करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ के अपने बालों में लगा के रखना है। तो इस टॉवल को मैंने गर्म पानी में सोक करके निचोड़ लिया है एक्सेस वाटर। इसको मैं थोड़ा छोटा है टॉवल तो उसको मैं ऐसे प्लस से लॉक कर दूंगी। तो इससे जो है कि हमारा जो हेयर का रूट है वो ओपन हो जाएगा और इससे जो भी हमने यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स उसका जो नरिशमेंट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसा मैं 5-5 मिनट के गैप में 3 बार करूंगी। तो क्योंकि कुछ देर बाद टॉवल ठंडा होने लगता है तो फिर से गुनगुने गर्म पानी में सोक करके एक्स्ट्रा पानी निचोड़ के मैं इसी तरह लगाऊंगी। तो ये मेरा 3rd time है, ऐसे मैंने 3 बार किया है। फिर इसको अभी मैं ऐसे ही 25-30 मिनट बालों में ऐसे रखने वाली हूँ। फिर मैं अपने शैम्पू से बालों को धो लूंगी। तो शैम्पू करने के बाद हमें बालों में कंडीशनर लगाना है और कंडीशनर को कभी भी हेयर रूट में नहीं लगाना है, हेयर लेंथ और एंड में लगाना है। तो अभी मैं पैंटीन शैम्पू यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लिया है और इसमें मैं शैम्पू डालूंगी। फिर अच्छे से इसे मिक्स करना है जब तक अच्छे से मिक्स हो के झाग ना निकलने लगे। देख सकते हैं कितना अच्छे से झाग हो गया है, ताकि जो ऑयल वगैरह जितना भी हमने लगाया है सब अच्छे से रिमूव हो जाए। और अभी हेयर लेंथ में भी क्लीन कर देंगे। फिर मैं ये डव का कंडीशनर यूज़ करूँगी। ये है डव डेली शाइन कंडीशनर विथ न्यूट्रिटिव सीरम। तो मैंने हाथ में सीरम लिया है थोड़ा और इसे हेयर लेंथ में लगाना है इस तरह से करके। ऐसा करके हमें 1-3 मिनट तक ऐसे रखना है, फिर इसे नॉर्मल वाटर से रिंस कर लेना है। तो मैंने नहा लिया है और अपने बाल भी धो लिए हैं और इसे मैंने टॉवल ड्राई किया है। अभी भी गीले हैं मेरे बाल, तो मेरे पास ऐसे भी हेयर ड्रायर नहीं है और रेगुलर हेयर ड्रायर यूज़ करना बालों के लिए अच्छा भी नहीं है। तो मैं इसे नेचुरली सूखने देती हूँ टॉवल से एक्स्ट्रा पानी सूखने के बाद। तो इसमें मैं अभी हेयर सीरम लगाऊंगी। तो मेरे पास ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम है, इसे मैं पिछले कई मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इससे बाल बहुत ही स्मूथ होते हैं। हमें हमेशा सीरम गीले बाल में हेयर लेंथ में यूज़ करना है, कंडीशनर और सीरम हमें कभी भी रूट में यूज़ नहीं करना है। 2-3 पंप लूँगी और हाथों से ऐसे रब कर लूँगी और जो हेयर लेंथ है उसमें लगाऊंगी। सीरम लगाने से भी बाल बहुत सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल रहते हैं। वैसे तो गीले बालों में कॉम नहीं करना चाहिए क्योंकि गीले बाल बहुत ही वीक होते हैं, बाल बहुत ही कमज़ोर होते हैं मॉइस्चर की वजह से, तो उसमें बाल झड़ने और टूटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन मैं अभी आपको डेमो दिखाऊंगी सीरम लगाने के बाद बाल कितने आसानी से सुलझ जाते हैं। तो नीचे से कॉम करेंगे, ऊपर से अगर आप, क्योंकि ऊपर थोड़ा बहुत टेंगल है बाल, तो ऊपर से ऐसे करेंगे तो टूटने का चांस रहता है। तो धीरे धीरे नीचे से हम कॉम करते जाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बाल कितने अच्छे से सुलझ भी गए हैं। मैंने धोने के बाद बिल्कुल भी अभी कॉम नहीं किया था और बाल भी नहीं टूटे हैं, बस एक बाल निकला है इसमें। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो बहुत ही इजीली बाल सुलझ जाएंगे। तो अभी मिलते हैं कुछ देर बाद। तो मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग मेरे बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ फील हो रहे हैं। पता नहीं कैमरे में शो हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे हैं। तो हमें 10-15 डेज में एक बार हेयर स्पा करना चाहिए, इससे बाल बहुत ही हेल्दी शाइनी सिल्की स्मूथ रहते हैं और जो फ्रिजनेस और ड्राइनेस होता है वो भी बहुत बैलेंस रहता है, वो कंट्रोल होता है।
तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अपने बाल। आई होप कि आपको ये हेयर स्पा का वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय।